आज हम जा रहे हैं उदयपुर से जैसलमेर। आप जब वीडियो देखते हो ना तो सब्सक्राइब करो भाई। होटल होटल है अपना साहेब। हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बाइकर मुस्तफा। आज का ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा डोमिनार 400 का ओनरशिप रिव्यू। और ये मैं दे रहा हूँ नॉट आफ्टर 1500 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर्स या परहैप्स 10,000 किलोमीटर्स, ये मैं आपको दे रहा हूँ आफ्टर 25,000 किलोमीटर्स। जी हाँ भाई और बहनों, तो ये रिव्यू देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना भाई, क्योंकि ये वीडियो में जो है हम D400 के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। सो वो रिव्यू शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, आज हम जा रहे हैं उदयपुर से जैसलमेर। टोटल किलोमीटर है 494 किलोमीटर और शाम को जो है 5-5:30 बजे तक पहुंचेंगे। कोशिश करेंगे उसके जल्दी पहुंचे, बट आपको पता है कि अपन अपने हिसाब से बाइक चलाते हैं भाई, कोई घाई नहीं अपने को। सो एनीवेज, इतने सारे दिन मैं उदयपुर में रहा, बहुत सारे दिन रह गया भाई उदयपुर में, मैं कम से कम 15-20 दिन के ऊपर रहा मैं उदयपुर में। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी, फतेह सागर लेक से लगा के, हल्दी घाटी से लगा के, और फिर जो है हम लोग कुंभलगढ़ गए, और हाँ शिल्पग्राम गए थे। शिल्पग्राम का अच्छा खासा वीडियो बनाया है हमने, अच्छा है वो, तो देखना ही देखना, कोई दूसरा वीडियो देखो कि ना देखो। और भाई साहब, आप जब वीडियो देखते हो ना तो सब्सक्राइब करो भाई, हैं, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि क्या है जितने भी प्योर कंटेंट बनाते ना भाई, वो ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर रैंक नहीं करता, यहाँ पे रैंक करता है क्रिंज क्रिंज क्रिंज। सो आप नज़ारा तो देख ही रहे हो, हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको। बट लेट मी टेल यू दिस, आज जब मैं सुबह निकलने के लिए उठा, इमेजिन मैं 5 बजे उठा भाई, फिर से सो गया मैं। और तो अच्छा हुआ कि रात को जो है सब पैकिंग कर लिया था मैंने, नहीं तो आज तो दिक्कत था भाई, वो कन्फर्म है, आज बहुत सारा दिक्कत आने वाला था। सुबह पैकिंग रात को कर लिया तो दिक्कत नहीं आया। 6 बजे उठा, फिर ठंडी, इतना कोल्ड हो रखा था भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, मैं फिर से सो गया। उठा 6:45, तब जाके जो है मुझे थोड़ा नॉर्मल हुआ ना। जब इनिशियली ये बाइक निकला 2017 से 2019 के बीच में, ये बाइक के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं था, ओके, इसके अंदर ब्रेक्स के अंदर एबीएस नहीं था, ओके, बाद में इसको जो है अपग्रेड किया गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा, तो उसके लिए पूरा रिव्यू देखिए। अभी जो है ये अपग्रेड मॉडल है, ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अपग्रेड मॉडल में बहुत सारी चीज़ें आती है, ओके, जैसे विंडशील्ड जो है वो डिज़ाइनर आता है। लेट मी टेल यू दिस कि ये जो विंडशील्ड है ये दूसरा डला हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, जो बजाज का है, और नकल गार्ड जाते हैं साथ में, ये मॉडिफाइड है, बट इसके साथ में आते हैं नकल गार्ड्स, ओके, चार्जिंग पॉइंट, ओके, और यहाँ पे आगे जो आता है, यहाँ पे ऊपर ये मोबाइल होल्डर आता है,
ओके, वो कितना कारगर है कितना नहीं वो आप मुझे आइडिया नहीं है। और ये मेरा जो बाइक है वो मैक्स मॉडिफाइड है, तो इसके लिए अंदर वो आपको दिखेगा नहीं। ओके, अभी जो है इसके अंदर टॉप रैक आता है। ओके, और टॉप रैक के साथ आप टॉप बॉक्स लगा सकते हो, सैडल रैक आता है जिसके अंदर आप सैडल बैग्स लगा सकते हो। ये मोटा मोटा एक्सेसरीज ये बाइक के साथ आता है। ओके, प्लस माइनस कुछ हुआ रहेगा, बट राइट नाउ आई एम ऑन बाइक, आई एम राइडिंग, सो मुझे एग्जैक्टली वो ध्यान नहीं है कि और क्या एक्स्ट्रा होगा। हाँ, इसका जो बैली है वो एल्यूमिनियम प्लस फाइबर आता है। ओके, और प्रोटेक्टर ग्रिल आता है इसके साथ में। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल दे आस्क मी अबाउट द रिव्यू, सो आई विल बी गिविंग यू अनबायस्ड रिव्यू बिकॉज आई हैव रिडन दिस बाइक 25,000 किलोमीटर। मुझे क्या क्या इसके अंदर इशू आया और उसका मैंने जो है तोड़ क्या क्या निकाला। ये बाइक है बीस्ट। नाउ जब मैं इसको बीस्ट बोलता हूँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आई मीन बीस्ट, क्योंकि ये रियल में बीस्ट है, ना कि जस्ट बिकॉज आई हैव बॉट इट एंड आई हैव मेड इट लाइक बीस्ट पर्सनली, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यस, इसको फ्लफी हमने बनाया है हमारे हिसाब से। ओके, क्योंकि हम जो है इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग करना मांगता था हमें, और मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा, आप लाखों रुपये मत डालें। ओके, इसका किट आता है, वो किट डाल दो, आपको लाखों रुपए का बाइक खरीदने का ज़रूरत नहीं अगर आपको डिज़ाइन पे जाना है तो। अभी ये आप इसका क्लस्टर देख रहे हो, 93 किलोमीटर पर आर के स्पीड पे चल रहा है, और उसके बाजू में आपको दिखा रहा है 25.8 किलोमीटर पर लीटर। ये बेसिकली माइलेज दिखाता है आपको, आप जितने स्पीड पे चलाते हो उसके हिसाब से, राइट। ये मेरा पहला बाइक है। ओके, और मुझे पता नहीं कि ये दूसरी कोई बाइक के अंदर ये फीचर है या नहीं, बट मुझे ये समझ में आता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो है नीचे, यहाँ पे पूरा पैनल जो है नीचे, ये पैनल के ऊपर जो है सारा के सारा वार्निंग्स आता है मोटा मोटा। इसके अंदर ये क्लस्टर है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। नाउ अभी इसका जो फ्रंट और बैक टायर है वो 17 इंच है, और यही रीज़न है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दूसरी सारी बाइक्स से थोड़ा कम है। ओके, उसका रीज़न ये है कि दूसरी सारी बाइक्स जो होती है ना, बहुत सी बाइक्स के अंदर जो है ये ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रंट जो पहिया होता है, ओके, टायर, वो 21 इंच का होता है। ओके, नाउ आपको मैं बता दूँ के दोनों जो है 17 इंच है। ओके, और मैंने अभी फ़िलहाल एक ही टायर चेंज करवाया है, और वो है, मैं MRF का था इसके अंदर। ओके, तो वो 23,000 किलोमीटर चला था, उसके बाद में मैंने जो है इसके अंदर पायलट स्ट्रीट डलवाया, और ये तो बिल्कुल ही ख़तरनाक टायर है, मिशेलिन के पायलट स्ट्रीट, अमेजिंग टायर है। रेयर वाला जो ब्रेक है, पीछे वाला ब्रेक, वो बहुत सी बार इंस्टेंट नहीं लगेगा। ओके, बहुत सी बार आपको जो है थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, बट मैंने एक जो बात डोमिनार की मार्क की जो कोई मेंशन नहीं कर रहा, वो ये है कि ये बाइक रेयर ब्रेक को फुल दबाने पे भी स्किड नहीं मारता। उसका रीज़न है ये बाइक का वज़न, मैं वो आगे डिस्कस करूँगा उसके ऊपर। ओके, आगे वाला जो ब्रेक है उसका बाइट बिल्कुल ज़ोरदार है भाई, माशाल्लाह। पीछे वाले का जो बाइट है वो थोड़ा आपको कम दिखेगा। अभी देखा आपने, फुल स्पीड में था, ब्रेक मारा, रेस मारा, गाड़ी वस्सलाम। नाउ ये हो गया ब्रेक का बात, अभी इसका जो सीट है, ओके, सीट इसका मुझे एक हद तक कंफर्टेबल नहीं लगा। अगर आप छोटा छोटा राउंड मारते हो, मतलब 60-70 किलोमीटर अप डाउन करते हो,
150 किलोमीटर तक बाइक चलाते हो तो सीट ठीक ठाक है, चलेगा। बट अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आपको एयर सीट चाहिए रहेगा। ओके, उसका रीज़न ये है कि सीट इसका जो है वो थोड़ा पतला है। ओके, तो थोड़ा साकड़ा सीट है इसका, तो उसके वजह से जो है ये आपको इतना कंफर्टेबल नहीं देता। बट उसका तोड़ है, आप इसके ऊपर एयर सीट लगाओगे तो आपका काम वो हो जाएगा। नाउ ये बाइक जो है 373.3 सीसी का बाइक है, सो ओवरऑल मोटा माटी 400 उसको बोलते हैं, D400। ओके, इसमें वही इंजन है जो KTM के अंदर है। ओके, और वो जो है पावर देती है 40 PS का और वो टॉर्क देती है 35 Nm टॉर्क। नाउ अंडरस्टैंड दिस, 35 Nm टॉर्क जो है ना, ये आपको टेक्निकल लगेगा, राइट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान भाषा में समझाते हैं आपको कि जब आप जो है इसके ऊपर बैठ के इसको चलाते हो ना, और जब इसको खींचना होता है बाइक को, ओके, पुल करना होता है, तो तब जो है टॉर्क काम लगता है। ओके, और यही रीज़न है कि लद्दाख में दूसरी सब गाड़ी की जो है, दूसरी सब बाइक की वाट लगी पड़ी थी, ये 20 निकला भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 18,000 फीट के ऊपर टॉर्क काम आता है, और जो बड़ी बड़ी बाइकें जो क्लेम करती है ना इस सेगमेंट में, 400 सीसी के सेगमेंट में, वो वहाँ पे दिक्कत करती है, थ्रॉटल में दिक्कत करती है, बंद हो जाती है। ओके, तो ये इसके अंदर इश्यू आता है, तो ये सब होता है थ्रू टॉर्क। टॉर्क उसको बाइक को पुल करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के ये माइलेज कितना देती है। मैंने देखा ऑन एन एवरेज, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और आप डिसेंट स्पीड पे चल रहे हो, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ 80, 90, 100, 120, ओके, तो ये आपको जो है 30 दे देगा आपको। ओके, अगर आप इकोनॉमी में चल रहे हो इसको लेके, तो फिर ये 34 तक भी जाता है। ओके, बट आई अज्यूम कि आप हाईवे के ऊपर इसको इकोनॉमी में नहीं चलाओगे। ओके, आप इसको जो है थ्रोटल दोगे ही दोगे, तो आप इसको 30 पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज ऑन हाईवेज, और इन सिटी आप 25-27 पकड़ के चलो। कंपनी क्लेम ज़्यादा करती है, बट भाई वो कंपनी है, वो तो बोलेगी कि ये बाइक को आप लेके आसमान में उड़ जाओ, नहीं उड़ पाओगे। हैं, वो जो टेस्टिंग होता है उनके लैब में होता है, और लैब के अंदर और रियल कंडीशन के अंदर फ़र्क पड़ता है। अभी देखिए मैं कैसे ब्रेक मारा, हैं, तो ये अगर आप ब्रेक वो डाइनो पे मारेंगे ऐसा ब्रेक, तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा ही दिखाएगा। ओके, कल मैं एक वीडियो देखा था जिसके ऊपर जो है डोमिनार 199 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे जो है उसका पहिया चल रहा था, वो डाइनो पे चल रहा था। फाइनली इसको मैं कमेंट किया, भाई ये डाइनो है, हैं, हाँ, रियल लाइफ के अंदर 177 मैक्स है, और फुल लगेज अगर आप इसके ऊपर ले जा रहे हो तो 165 मैक्स है। सो आते हैं बाइक के वज़न के ऊपर। सो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट बाइक इन इट्स सेगमेंट। 400 सीसी के अंदर जितना भी बाइक्स है उसमें ये सबसे ज़्यादा हेवी है। अभी आपको ये लगेगा कि ओ फिर तो मैं दूसरा ले लूँ, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो इसका डिज़ाइन और मशीनरी दिया हुआ है, और जिस जो इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दिया हुआ है, उसके हिसाब से बाइक का वज़न जो है वो बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है दिस इज़ अ लॉन्ग टूर बाइक, ये सिटी के लिए तो है ही नहीं, हैं, तो अगर आप ये सिटी के लिए ले रहे हो तो फिर तो मतलब ही नहीं है। 400 सीसी आप सिटी में चला के क्या करोगे, आप समझ रहे हो? 400 सीसी आप सिटी में चला के क्या करोगे, और कितना ही चला लोगे, और वो माइलेज ही क्या देगी आपको। सो बेसिकली दिस इज मेड फॉर लॉन्ग टूर, राइट? नाउ अभी क्या वज़न ज़्यादा है
तो दिक्कत होगा आपको, बहुत ज़्यादा होगा, ओके, क्योंकि आप एवरी टाइम नाउ एंड देन 187-190 केजीज लेके चल रहे हो, और उतना ही नहीं फिर आपका लगेज का और आपका खुद का वज़न। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि वज़न के साथ आता है स्टेबिलिटी, मतलब ये जो बाइट आता है ना, आप ये जो रेस मारते हो ये, और ये जो बाइट आता है ना, ये आता है क्योंकि ये बाइक जो है ज़मीन को पकड़ के चलता है, और ये वज़न की वजह से आप जो है कितना भी बाइक हेवी हो वो स्टेबल रहेगा। जैसे बहुत सी ऐसी बाइक है सेम सेगमेंट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, डिफरेंस बिटवीन नहीं कर रहे, बट उसको अगर आप 120 के ऊपर से ले जाओगे ना, तो ऐसे 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 होती है, ऐसे 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 उसका जो है ना बैलेंस बिगड़ता भाई, हिलता है डुलता है, नाच नाच हिल के नाच नाच हिल डुल के नाच नाच। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं, वैसा हालत हो जाता उसका है। बट इसको आप 170, 165, 160 पे मैं क्रूज किया हुआ है कन्याकुमारी के अंदर, और भाई साहब कन्याकुमारी तो आई थिंक सो रामेश्वरम कुछ राइड की थी मैंने, उसके अंदर मैं इसको 165 प्लस क्रॉस किया था, वो भी फुल सेटअप के साथ, और मुझे दिक्कत नहीं आया था। तो बाइक बीस्ट है, ओके, और बीस्ट को हैंडल करना आसान है क्या? कत्ता ही नहीं। मतलब हम क्या सोचते हैं कि वो जितना इजी होना मेरे लिए उसको हैंडल करना उतना अच्छा, हाँ तो फिर एक्टिवा खरीद लेना भाई, समझ रहे हो ना, बिकॉज एक्टिवा तो सबसे ज़्यादा इजी है, राइट? बट आप लॉन्ग टूर के लिए एक्टिवा लोगे क्या? नहीं लोगे। हाँ वो बात अलग है कि मैं एविएटर पे सब पूरा इंडिया घुमा हूँ, बट स्टिल आप लोगे क्या? पर्पसली खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तो अगर एक जगह पे आप ये बोलते हो कि बाइक का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी जगह ये आपको जो है उतना स्टेबिलिटी भी देता है, उतना जो है ज़मीन को पकड़ के चलता है, और आप उतना जो है सामान लदा लो इसके ऊपर, कोई दिक्कत ना आ रही। नाउ मेरा एक्सपीरियंस अबाउट दिस बाइक, अगर मैं आपको एक्सपीरियंस वाइज बताऊं तो इसका एक्सपीरियंस मेरे को बिल्कुल ही मतलब मस्का रहा है। ये बात मान के चलो कि आई डोंट थिंक सो आई नीड एनी मोर पावर इफ़ आई हैव D400, आई विल नॉट फील लैक इन पावर एनीवेयर, लो टॉर्क हो या हाई टॉर्क हो, ओके, किसी में भी मुझे पावर का कमी नहीं महसूस होता, और वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो जो बाइट आता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी बाइक में आपको जो है वो लोअर टॉर्क के अंदर जो है बाइक रो देता है, ये उसमें भी नहीं रोएगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं। फिर वो चाहे बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों ना हों, वो लोअर एंड में वो जो है बाइक उनका रो देता है भाई। बट आपको मैं बता दूँ कि मेरा बाइक का टोटल जो वज़न है ना वो 210 किलो के ऊपर है। अगर आपको लिस्ट जानना है कि मैंने क्या क्या करवाया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लेना क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया है। आई थिंक सो दिस इज़ इंडियाज़ मोस्ट मॉडिफाइड डोमिनार एवर, मतलब इससे ज़्यादा आप क्या ही मॉडिफिकेशन करवा लोगे। मुझे प्रयास हमेशा बोलता है कि मुस्तफा भाई अभी क्या बचा है यार, अभी क्या बचा है, वो भी डाल दो भाई इसके अंदर। इसके अंदर जब मैं लद्दाख का राइड मार के आया था, इट वाज लाइक समथिंग 17,000 या 19,000 किलोमीटर प्लस, तब जो है मेरा आगे का जो शॉकअप्स है बाइक का, फ्रंट शॉकअप्स, उसके अंदर एक साइड से ऑयल लीकेज कर रहा था, हालांकि वो चलता बट मैंने चेंज करवाया था, ओके। अभी तक इसके अंदर मैंने एक चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाया है, वो भी 23,000 किलोमीटर के ऊपर। जो स्टॉक टायर आया था MRF का, वो मैंने चेंज करवाया 23,000 किलोमीटर के ऊपर। नाउ कॉन्स क्या है इसके,
प्रोस तो हमने देख लिया एक्सपीरियंस के अंदर, ओके, इट मे डिफर अपॉन योर कंफर्ट जोन और मे बी आपका राइडिंग स्टाइल और वॉट एवर इट इज, आपने जो भी मॉडिफिकेशन करवाया है उसके अंदर बाइक के अंदर अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट दिस वॉज माई एक्सपीरियंस. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट कॉन्स. आप इसमें जितना भी मॉडिफिकेशन करवाओगे उसका वेट बढ़ते जाएगा, ओके. तो ये बात बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. दिक्कत आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितना वज़न बढ़ेगा वो आपको रोज़ बाइक निकालना है और रोज़ बाइक जो है लगाना है. बहुत सी बार आपको लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई ज़रा पीछे से खींच देना भाई, क्योंकि मेरा हाइट छोटा है तो मुझे ये बोलना पड़ता है. और मैंने जो शूज़ पहना हुआ है वो वुडलैंड का है और इसका कम से कम इतना बड़ा शॉल है, तो यस वो जुगाड़ है भाई. तो अगर आपको 20 चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे जुगाड़ करना पड़ता है. लेट मी टेल यू दिस, इसका एक कौन ये भी है कि इसका जो सीट जो है ना वो बहुत ऊंचा है भाई. आई थिंक सो ये KTM से भी ऊंचा है. तो अगर आपकी हाइट 5'8" 5'7" है तो आपको दिक्कत जरूर आएगा मेरे जैसे. मेरा कुछ आई थिंक सो 5'8" या 5'9" है, ओके. सो आपको दिक्कत आएगा तो आपको फिर शूज़ भी वैसे चाहिए रहेगा. बट आई डोंट थिंक सो कि मैं शूज़ के वजह से मैं बाइक को हाथ से जाने दूंगा. मतलब वो लॉजिक ही नहीं बनता. मैं इतना लाखों रुपया खर्च कर रहा हूँ बाइक के ऊपर, तो 3,000 के मैं 3-4 हज़ार के मैं वुडलैंड का शूज़ ले भी लिया तो कोई दिक्कत वाली बात ना आ रही, ओके. और दूसरी बात यह है कि अगर आप राइडिंग शूज़ पहनते हो तो एक्सटेंडेड शॉल आती है, आप वो भी लगा सकते हो अगर आपका हाइट छोटा है तो, ओके. तीसरी बात, ये बाइक जो है प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि ये सिटी के लिए नहीं है. तो अगर आप ये सिटी में चलाओगे तो भाई साहब आपको जहाँ पे 15 मिनट लगेगा पहुँचने के लिए वहाँ पे आपको जो है 20-25 मिनट लग जाएगा, क्योंकि आपको मैन्यूवर करने में और काटने में रास्ता क्लियर करने में, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे दिक्कत गिरेगा. ये थोड़ा कॉन्स हो गया इसका. अब इसके वर्डिक्ट पे आते भाई, सब हो गया हमारा. देखिए अगर आपको लॉन्ग टूरर चाहिए, पहली बात, अगर आपको बीस्ट मोड वाला बाइक चाहिए, मतलब इस सेगमेंट में इसको बीट करने वाला दुनिया का कोई भी बाइक नहीं है, ये बात आप मान के चलो, ओके. अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ बिकॉज खुद ने लिया है, इतना खर्चा किया है तो बोल रहा है. नहीं भाई, ऐसा नहीं है. क्या है कि टॉर्क, पावर, साथ में वेट, ये जब गाड़ी के साथ मिलता है ना भाई, ओके, तो फिर उसका परफॉर्मेंस निकल के आता है. चौथा कौन जो मैं आपको बता दूँ, बाइक वाइब्रेट करेगा, ओके. वाइब्रेट का इशू है, बट ये इशू है इसके लोअर एंड के ऊपर. अगर आप 100+ क्रॉस करोगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि बाइक वाइब्रेट कर भी रहा है, ओके. सो बेसिकली जो दूसरा बाइक्स होता है वो 100 के ऊपर रो देता है भाई. इसका स्टेबिलिटी वहाँ पे जाके बिल्कुल सेट हो जाता है 100 के ऊपर. पहले आप टेस्ट राइड लीजिए, ओके, आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, ओके, और वो फील आता है, ओके, वो बाइट आता है आपको. अगर वो आता है तो फिर वो आपके लिए है. हालांकि रिस्की है ये रोड, बट रिस्की इस काइंड ऑफ विस्की फॉर राइडर्स. अच्छा था भाई ये, रिस्की इस काइंड ऑफ विस्की फॉर राइडर्स. मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ. आप स्कूल विस्कूल चालू हो गए. सुबह जब मैं उदयपुर से निकला सब स्कूल की बसें थी, सब बस में से हाथ दिखा रहे थे. सो गाइस देखा आपने, एक बिचारी 110 सीसी
बाइक, उसके ऊपर पांच सवार थे, पांच थे के चार थे, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन प्रॉपरली, कमेंट डाउन बिलो। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल राजस्थान। रास्ते बहुत बढ़िया है भाई, जालौर से जैसलमेर का जो रास्ता है ना, ये मुझे बिल्कुल सही लगा भाई। सो गाइस, फाइनली आई एम इन जैसलमेर। 6.6 किलोमीटर बाकी है अपने होटल को। सो बेसिकली ये वीडियो में ओनली रिव्यू था डोमिनार 400 का। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो, और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। होटल मेरा बुक है।